अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन और आए हुए आज मिलिंद दादा के पास, जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट। और जेनेटिक्स जो अभी हमारी सीरीज चल रही है उसका दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया, तो इंतजार के लिए भाई आप लोगों को जो इंतजार करना पड़ा उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन कोई भी चीज सीखने के लिए आपको वेट एंड वॉच, ये दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आज पिछली वीडियो में बहुत सारी गालियां भी दी आपने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दादा, एक बात सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जो अभी हमारे मतलब मुझे पर्सनली गालियां जो पड़ी उसके बारे में आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ये बताइए। उसमें ऐसा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि जीत को कम बात करनी चाहिए इस वीडियो में जी, और मुझे ज्यादा बात करनी चाहिए जी। तो वो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए प्यार उनका ज्यादा है या आपके लिए प्यार कम है, इस टॉपिक के लिए उनका प्यार ज्यादा है जी। ये अच्छा लगा मुझे देख के कि गालियां पड़ी मुझे, हर कोई सीखना चाह रहा है इस टॉपिक को, सीखना चाह रहा है, ये काफी अच्छी बात है जी जी जी। काफी पॉजिटिव थिंग है जी हमारे पिजन इंडस्ट्री की जी जी जी। काफी लोग जेनेटिक्स सीखना चाह रहे हैं जी, और राइट वे में अपनी ब्रीड को आगे ले जाना चाहते हैं जी जी। तो काफी पॉजिटिव बात। तो भाई गालियां पड़ी उसके लिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, पर मुझे ये बात जरूर समझ में आई जैसे कि अभी दादा ने बोला कि आप सब लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें बाहर आए निकल के और ये सारी चीजें आप सीखे। उसके लिए आप सभी भाइयों ने जो गालियां दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका, आप एक अच्छे लर्नर हैं जिन्होंने भी मुझे गालियां दी। मैं सोच रहा हूं कि वो एक अच्छे लर्नर है, पर इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी मुझसे अभी गलतियां हुई पिछली वीडियो में इस बार ना हो। इसके लिए मैं मेरे मुंह के जो शटर है उसको अभी जिप कर लेता हूं, ताला लगा देता हूं। और बात करते हैं मिलिंद दादा से। तो मिलिंद दादा, पहली जो वीडियो हुई उसमें थोड़ी फर्स्ट वीडियो थी जो हमने बिल्कुल भी उसका मैंने तो खासकर उस पर कोई स्टडी नहीं की थी। मैं हर वीडियो मेरी ऐसी होती है एक्चुअली, मैं जहां भी जाता हूं बस मोबाइल चालू किया और मैं बड़बड़ करना चालू कर देता हूं। लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा स्टडी किया है, देखिए यहां पे दिख रहा है स्टडी मटेरियल थोड़ा रखा हुआ है हमने, तो इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहते हैं। तो मिलिंद, आप बेसिक से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, स्टडी मटेरियल यानी ये देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए जी जी जी, छूट ना जाए। बाकी तो स्टडी तो सारी यहाँ पे है जी 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 जी। ओके, उसको ये स्क्रिप्ट मतलब हम लोग अभी देखिए काफी कमेंट्स पढ़ रहा था उस पे कि लोगों ने बताया कि पहले तो हम लोगों को सिस्टमेटिकली आप बताइए जी जी जी, इसको यानी आप सिम्बॉल्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं। काफी लोगों से मैंने, मुझे दो चार फोन भी आए थे, काफी लोगों से मैं घंटों बात भी की मैंने जी। तो उनका कहना था कि पहले तो हमको आप साइंस एंड सिंबल सिखा दीजिए जी, तो आगे की वीडियोस देखने में काफी आसानी हो जाएगी रिलेट करने के लिए। ओके ओके, तो पहली बात तो मैंने बताया था जैसे जेड जेड। ओके, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था उसमें। ओके, तो ये पहले क्लियर कर देते हैं इसमें इस बार। ओके, तो ये जो है हम पहले लिख लेते हैं मेन, और ये है Okay. ये दोनों में अभी ये दो क्रोमोसोम जो है, दो जीन ये जोड़ी है इनके पास जेड और जेड की। ये हम बात कर रहे हैं कलर। ओके ओके, कलर ये एक सेक्स लिंक क्रोमोसोम है, यानी नर और मादा पे डिसाइड होता है। ओके okay. मतलब आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है कलर, कलर को ही हम लोग आगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ सिम्बॉल्स बता दूंगा जी, आगे की वीडियोस को समझने में आसानी होगी जी। बिल्कुल ओके, और फीमेल के पास मैंने बताया था जैसे जेड और डब्ल्यू, ये सिर्फ सेक्स लिंक की बात हो रही है। ओके, बाकी जीन्स में ऐसा होता है कि दोनों के पास जेड जेड होते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो नहीं, वो टॉपिक पे जा रहा नहीं है अभी। ओके हम आज सिर्फ पिजन्स की बात। ओके ओके, वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया था जो एक हमारी गलती हुई थी जी जी, एक्स और वाई और एक्स एक्स की, वो मैंने कमेंट में क्लैरिफाई कर दिया था, तो वहां से लोग कमेंट को पढ़ सकते हैं। ओके, ये जेड जेड है, यानी ये दो जेड जो है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं इस मेल के पास। ओके ओके, और ये एक ही कलर होगा, ये सिंगल फैक्टर होगा, क्योंकि उसके पास डब्ल्यू के अंदर जैसे हमने बोला था वो कलरलेस है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, कलरलेस कलरलेस है। ओके, अभी ये ट्रांसफर कैसे होता है, तो ये जेड जो है
वो जाता है मेल यंग को, ओके, ओके, फीमेल बच्चा और मेल बच्चा ये समझ लीजिए। इसमें का एक जेड यहां पे आएगा, ओके, एक जेड, और ये जेड जो है वो यहां पे, ये मेल बच्चे के दो जेड हो गए, okay. मेल के पास जेड जेड होते, ओके, okay. अभी इसमें देखिए क्या हो रहा है, ओके, okay, तो ये जेड जेड ये मेल बच्चे के तैयार हो गए। अभी फीमेल है, फीमेल बच्चा, तो ये डब्ल्यू जो है ये फीमेल अपने मादा बच्चे को देगी, और यहां से एक जेड कोई भी, इसमें से कोई भी आ सकता है, एक जेड डब्ल्यू मिलके फीमेल बच्चा तैयार होगा, ओके, क्या बात है, okay, इस तरीके से। तो इसमें देखिए फीमेल अपना जेड मेल को दे रही है, इसमें कोई कलर नहीं है, इसका मतलब फीमेल कभी भी अपना कलर फीमेल बच्चे को नहीं दे सकती, क्या बात है, मादा बच्चे को नहीं दे सकती, क्योंकि वो डब्ल्यू दे सकती है, ओके, जो कलरलेस है, जो कलरलेस है, ओके, तो ये कलर जो आना है ये जेड कहां से आएगा, ये क्या, और ये देखिए ये दो जेड में से मेल अपना एक जीन फीमेल को, ये दोनों में से कोई भी हो सकता, ओके, एक जेड यहाँ पे, इसका मतलब ये कलर जो जा रहा है वो फीमेल बच्चे को सिर्फ मेल से ही जाएगा, ओके, फीमेल से कलर नहीं जाएगा, क्या बात है, ओके, इसमें देखिए ये जेड दो अलग अलग हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं ये मैं बता, अभी ये दो जेड की हम बात ले रहे हैं मेल के अंदर, जेड और जेड, ये दो अलग अलग कलर हो सकते हैं, यानी एक ये जेड है ये आपका एश रेड हो सकता है और दूसरा हो सकता है ब्लू या तो ब्राउन हो सकता है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एक आपका एश रेड है एक ब्लू है। एक्चुअली मिलिंदा ये एश रेड और ये ब्लू इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा अगर हो सके तो मैं इसमें बता सकता हूँ ये एश रेड, हाँ मतलब एश रेड, बहुत सारे लोगों को ये जेनेटिक की लैंग्वेज नहीं पता है वो एश रेड क्या होता है, सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे इसके लिए, ये देखिए ये आपको शायद नजर आ रहा हो, यस ये एश रेड पिजन है, देखिए इसमें जो इसके टुवर्ड्स एंड ये पर जब यहाँ पैर के लास्ट मतलब पर जो लास्ट जो एंड हो रहे हैं कलियों का वहाँ पे ये एश कलर होगा, बाकी कबूतर आपका लाल है, इसकी दुम भी एश कलर की, यस, ओके, ओके, इसमें कोई बार नहीं है टेल का, पूरे एक ही कलर की दुम है, ओके, ये एश रेड, ओके, इसमें मैं ब्लू का भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ, अभी ये देखिए ये भी ब्लू है, यस, ओके, दूसरा एक एग्जांपल ब्लू का मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ब्लू है, ओके, और एक मैं बता देता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, मतलब जो वाइल्ड पिजन हम जो देखते हैं जंगली जिसको हम बोलते हैं वो भी ब्लू कलर में ही आता है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, वो ब्लू ही है, वो ब्लू ही है, एक मिनट ब्लू का और एक एग्जांपल जो आप जंगली टाइप बोल रहे थे, जी जी जी, यस, ये बिल्कुल वाइल्ड पिजन लग रहा है जो हम लोग जंगली जिसको हम लोग, ये वाइल्ड पिजन ही है, ओके, तो ये ब्लू का टाइप, ब्लू में आपने इससे पहले जो टाइप्स दिखाए मतलब ये डॉटेड भी हो सकते हैं थोड़े, वो तो पैटर्न्स में, पैटर्न्स कलर की बात करूँ, ओके ओके, पैटर्न में आपके बबरे वाला पैटर्न, हाँ बबरे वाले हो गए, ओके, थोड़ा डार्क काले वाले में जिसको टी चेक बोलते हैं, वो तो सब अपने हमारे पैटर्न्स में, ओके ओके, तो ये देखिए दो जेड जेड हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, लोगों ने पूछा था मुझे कि इसको थोड़ा ठीक से बताइए, विस्तार से इसको बताना चाहिए, टर्म यूज किया जाता है, ओके, तो जिसमें ये दो अलग अलग कलर है, मतलब दिखाते समय वो एसरेट दिखाएगा क्योंकि डोमिनेंट जीन हमने बात किया था कि एसरेट डोमिनेंट है, तो दिखाते समय वो दिखाएगा एसरेट, लेकिन उसके अंदर दूसरा कलर जो छुपा है वो ब्लू छुपा है, क्या बात है, इसका मतलब ये डबल फैक्टर है, डबल फैक्टर, इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं
हेट्रोजाइट्स हाँ, जिसके अंदर दो, यानी इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हैं डबल फैक्टर। डबल फैक्टर ओके, डबल फैक्टर मतलब इसमें दो कलर के पिजन निकल सकते हैं। हाँ, इसमें दो फैक्टर है, दो फैक्टर है okay, इसमें दो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, वो उसके डोमिनेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ओके okay. लेकिन ये डबल फैक्टर है, यानी जेड जेड में दोनों जेड अलग है, मतलब दोनों जेड सेम होंगे, यानी दोनों ब्लू है या तो दोनों ब्राउन है या तो दोनों एसिड है एक ही कबूतर के अंदर, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। तो जितने भी भाई अभी देख रहे हैं आप भी आपकी पर्सनल एक डायरी बना लीजिए जेनेटिक्स के लिए, और ये जो सारी बातें आपको बता रहे हैं ये आप स्नैपशॉट लेके इसका आप आपकी डायरी पे नोट कीजिए, ताकि आपके पास भी नोट्स बन जाए इसके। जी, ये हेट्रोजाइगस यानी दो फैक्टर जब आते हैं तो उसको हेट्रोजाइगस बोला जाता है, होमोजाइगस यानी सिंगल फैक्टर यानी दोनों जीन जो उसके हैं वो सेम है, दोनों जेड जेड उसके सेम। ओके, तीसरा इसमें आता है हेमीजाइगस, का मतलब है एक ही जीन है उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, एक ही फैक्टर है। एक ही फैक्टर तब होता है जैसे जो फीमेल दो जेड और डब्ल्यू, इसका मतलब इसके पास जेड एक ही है, ये कुछ भी नहीं है, तो इस चीज को बोलते हैं हेमिनाइज़। ओके, सिंगल फैक्टर, सिंगल फैक्टर डालो, अच्छा सॉरी सॉरी एक ही ले, अच्छा वन इसका भी कोई एग्जांपल, जैसे फीमेल का एग्जांपल दिया ओके, फीमेल के पास दो जेड की जगह जेड और डब्ल्यू है, तो ये हेमीजाइगस बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद देने के लिए एक ही है, दूसरे में कुछ दे ही नहीं पाई, तो इसको हेमीजाइगस ओके। इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है वर्ड का, क्योंकि ज्यादातर वर्ड यूज जो होते हैं हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ही होते हैं, क्योंकि यहीं पे ज्यादा चेंजेस आते हैं ओके। हेमीजाइगस तो फिक्स है, सबको पता है, सबको पता है, ये सेक्स लिंक की ही बात हो रही है ओके, ये सेक्स लिंक क्रोमोसोम की बात है। और जो इंडिकेट करते हैं, अभी मुझे बताना है कि मेरे पास एक फलाना कबूतर है, तो किस तरीके से इंडिकेट ओके, तो हर कबूतर के लिए एक सिंबल दिया, जैसे मैं सिंबल अभी हम लोग ले एश रेड, एश रेड, फिर आपका आता है ब्लू और ब्राउन, ये देखिए ब्राउन लिखते समय बी मैंने छोटा लिखा जी, और इनका कैपिटल लिखा जी, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है और ओके, सबसे निचली पायदान में जैसे मैंने बताया था रिसेसिव ओके, हाँ हाँ, ये सबसे डोमिनेंट है, ये सबसे निचली पायदान में, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, यानी ये सबसे ओके, तो ये कैटेगरी है हाँ, नहीं जैसे डोमिनेंस लेवल बताया था ओके, तो इसमें देखो एस रेड को लिखते कैसे, बी कैपिटल लिखते हैं और उसके ऊपर छोटा ए, कैपिटल ए ऊपर लिखते हैं ओके, तो ये हो गया उसका सिंबल एस रेड। ब्लू को लिखते हैं बी कैपिटल में और प्लस, बी प्लस ओके, कुछ लोग सिर्फ प्लस भी लिखते हैं ओके, का मतलब भी ब्लू, ब्लू है, तो प्लस देखे या तो बी प्लस देखे तो कंफ्यूज हो, एक ही है और इसको लिखते हैं छोटा बी, छोटा बी, ये इसका सिंबल ओके ओके। तो आप अभी पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं अगर आपको ये देता हूँ कि मेरे पास समझो एक नर है, वो है इसका मतलब क्या है, एश रेड ब्राउन, इसका एक जीन जो है एश रेड है, एश रेड है और दूसरा ब्राउन, ब्राउन का उसमें फैक्टर है, बिल्कुल इतने समय कौन सा दिखेगा आपको एश रेड दिखेगा, क्योंकि एश रेड डोमिनेंट जी, लेकिन इस बच्चे को इस मेल को आप क्रॉस कराओगे तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल बच्चे को मेल ही कलर देता है, इसमें से दोनों में से एक कलर फीमेल को भी अच्छा चांसेस है आपका एक बच्चा ब्राउन मिले, क्या बात है।
वेरी गुड, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। यस yes. तो इसमें चांसेस आ जाता है कि आपका फीमेल बच्चा जो है वो ब्राउन निकले या तो ऐसे, लेकिन यूजुअली डोमिनेंस लेवल ये ज्यादा होता है तो डोमिनेंस ज्यादा बाहर निकलता है, लेकिन ये भी निकल सकता है। ओके okay. इसमें कोई मिरेकल नहीं है, ये मेल के ऊपर है जो जीन चले जाए वो हिसाब से वो ट्रांसफर। और इसको इंडिकेट करने आप सोचेंगे ये मैंने दो क्यों लिखा, दो स्लैश क्यों इसमें, तो ये बताता है कि ये क्रोमोसोम्स की जोड़ी है। क्या बात है, ये मैं अगर फीमेल मुझे लिखना हो तो फीमेल में जैसे समझो मेरे पास एस रेड की फीमेल, तो मैं इसको लिखूंगा बी एस रेड माइनस, यानी ये सिंगल क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। ओके ये हो गया फीमेल का सिंबॉल इस तरीके से। यस और ये मेल के लिए दो स्लैश यूज किया, बिल्कुल समझो वो दोनों फैक्टर सेम है तो हम लिखेंगे बी ए स्लैश स्लैश बी। ये इसका मतलब ये सिंगल फैक्टर यानी होमोजाइगस हाइब्रिड। ओके और ये अगर देखेंगे तो ये होगा हेटरोजाइगस हाइब्रिड कैरी ब्राउन। ओके दिखा रहे हैं ऐसे लेकिन अंदर एक जीन छुपा हुआ है वो भी आ सकता है, तो ये इसको ऐसे ये इसकी सिम्बॉल होता है। ओके तो भाई ये रफ करने से पहले एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी डायरी में आप लिख लीजिएगा, ये तीनों टाइप्स जो दिखाए हैं और इसकी क्या क्वालिटी और क्या खूबियां हैं वो सारी चीजें इसको डिफाइन किया हुआ है मिलिंदा ने, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके अभी ये जो हमने कलर की बात की ये एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, ये लास्ट टाइम में हमारा डिस्कस हुआ था कि 40 पेयर होते हैं। ओके यानी 80 टोटल क्रोमोसोम्स, और जब भी मेल और फीमेल एक दूसरे को यानी मिले बच्चा होता है तो 40 मेल की तरफ से और 40 फीमेल की तरफ से। तो ये कलर जो है वो सेक्स लिंक्ड है, दोनों सेक्स के ऊपर निर्भर करता है कौन सा कलर आएगा, लेकिन सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स लिंक नहीं होते। okay. जो क्रोमोसोम सेक्स लिंक नहीं होते उनको बोला जाता है ऑटोसोमल। ओके ओके ये ऑटोसोमल होते हैं। ओके तो ये अभी आगे के वीडियोस में हमारे आएंगे क्योंकि काफी उसमें जैसे मैंने बताया म्यूटेशंस ओके और मॉडिफायर्स ये राइट वर्ड होगा, ये मॉडिफायर जो होते हैं जैसे ग्रिजल इफेक्ट है, स्प्रेड है, डाइल्यूट है, ओपल है। ओके उसमें काफी मॉडिफायर आते हैं जिसमें आपके कलर्स मॉडिफाई होते जाते हैं। ओके ओके जिसमें पाइबॉल्ड है, जिसमें आप ज्यादा तो देखेंगे कि ये जो टम्बलर्स होते हैं उन पिक्चर्स में आप देखोगे तो उनके यहाँ से सर जो है ऊपर टोपी उनकी व्हाइट होती है। okay. बाकी कलर एक कलर का होता है और ज्यादातर वो आपके दुबाज होते हैं। दुबाज बराबर है, उनके कुछ पर व्हाइट होते हैं कुछ पर व्हाइट होते हैं, एक कलर की बॉडी और उनकी जो सर है जो टोपी है वो व्हाइट होती है, तो वो एक अलग मॉडिफायर। ओके पाई बॉल्ड एक अलग मॉडिफायर है, पाई एक अलग पाइड बोलते हैं जिसको, वो एक अलग मॉडिफायर है। तो सिर्फ काफी मॉडिफायर है जो आगे के वीडियोस में हमारे आ जाएंगे, तो आज तो आप सिर्फ कलर के बारे में बात कर रहे थे। ओके और कुछ क्वेश्चन, अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बहुत लोगों के कमेंट्स जैसे भी आए थे, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने बनाई हुई नहीं है। ओके इसकी मैंने सिर्फ स्टडी की है। ओके ये प्रूवन साइंस है जो ऑलरेडी है, इसकी स्टडी मैं सिर्फ आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे भाइयों तक पहुंचे। जी 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 ओके क्योंकि काफी लोग कॉल्स भी जब आए तो काफी लोग बोल रहे थे कि आसान हो गया हम लोगों को समझना क्योंकि इंग्लिश हम लोग उतना नहीं समझ पाते। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिर्फ मैं ये हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस जेनेटिक स्टडी में कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ये स्टडी है। ओके मैंने सिर्फ इसको सीखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके इसको मैंने बनाया नहीं, तो बहुत लोगों की सोच ऐसी होगी कि ये कुछ इन्होंने इन्वेंट किया है और ये अपनी स्टडी बता रहे। नहीं 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 ये ऑलरेडी ये है,
ये स्टडी मटेरियल सब मिलिंदा ने लिया हुआ है गूगल से, स्टडी बहुत सारी जगहों से स्टडी की है, और उसके बाद में फिर उन्होंने ये सामने लाया है आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो इस पैटर्न्स, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है, कैसे जीन्स होते हैं, कैसे पास होते हैं, मेल फीमेल क्या देते हैं, वो सारी चीजें आपको आसानी से पता चल जाए जी। तो क्या हम आज का ये टॉपिक क्लोज करें यहीं पे? बिल्कुल, ये थोड़ा क्लोज कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम पैटर्न के ऊपर, जैसे मैंने बताया था जी, ये वीडियो बहुत लोग बोलेंगे कि रिपीट करने की जरूरत, तो काफी कमेंट्स ऐसे आए थे कि इसको रिपीट कीजिए, पहले तो आप साइंस एंड सिंबल्स हमको बता दीजिए, ये समझने में आसान होगी। अभी ये जो चीज मैंने समझाई है जेड और ZW, okay. और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो स्लैश का मतलब क्या होता है, सिंगल स्लैश का मतलब, तो ये सारी जीन्स के लिए ये इसी तरीके से यूज होता है। ओके। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया डोमिनेंट होते हैं, रेसेसिव होते हैं, वैसे कुछ जीन्स जो होते हैं वो को डोमिनेंट भी होते हैं, यानी एक साथ दोनों जीन्स साथ साथ डोमिनेंट हो सकते हैं। क्या बात है। हाँ, तो वो को डोमिनेंट भी अगली वीडियोज में हमारे आ जाएगा। ओके। ये काफी लंबा टॉपिक है, तो अगली वीडियो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज आएगी हर एक टॉपिक के ऊपर। ओके। हम एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बना के डालेंगे। ओके। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि ये टॉपिक काफी लंबा होगा, कलर थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके। बाकी टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे होंगे, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दो या तीन टॉपिक साथ में करें। ओके। जी तो थैंक यू। तो भाई मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर, और सामने बैठे हुए मिलिंदा। आप सभी भाइयों को कैसे लगी वीडियो, आपके कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मिलिंदा हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं इसी चीज के लिए, और साथ में थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ इसमें, और ये हमारा मोटिव है आप लोगों को इसमें ग्रेजुअल करने का, आप सभी लोग सीख जाएं, और जितना हो सके अगर आप सीख रहे हैं तो आपकी जो आप जो भी समझ रहे हैं आप उसे भी शेयर कीजिए आपके छोटों के साथ, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जो शोक कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से हो सके, और हमारा भी इंडिया का, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। तो मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर, और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन, आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में जेनेटिक सीरीज के, तब तक के लिए मुझे और मिलिंदा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।